दोस्तों स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। महाभारत का सबसे बड़ा सबूत अफगानिस्तान में मौजूद है जिसे आतंकवादी भी नहीं मिटा पाए थे। क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान जो कि आज एक मुस्लिम राष्ट्र है वह कभी हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था और वर्ष 1980 में अफगानिस्तान में हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग बहुत संख्या में थे। एक वक्त था जब हिंदुस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान के पार जाकर ईरान को छूती थी। वर्ष 1980 में अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन हुआ करता था और वह एक हिंदू राजा था, लेकिन मुसलमान सुल्तानों ने लगातार उन पर हमला करके उनको सत्ता से बेदखल कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे अफगानिस्तान भारत वर्ष की नक्शे से बाहर चला गया। 17वीं सदी तक तो अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र भी नहीं था। अफगानिस्तान नाम का प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल में शुरू हुआ। भारत पर सबसे पहले सफल हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अफगानिस्तान का सीधा संबंध महाभारत से भी है, क्योंकि कौरवों की मां गांधारी अफगानिस्तान के गांधार शहर से थी जिसे आज कंधार नाम से जाना जाता है। गांधारी गांधार देश के सुबल राजा की इकलौती कन्या थी और वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में भी गांधार का गंधर्व देश नाम से वर्णन किया गया है। अफगानिस्तान के पठानों को पहले पक्का और पख्तून कहा जाता था और अंग्रेज शासन में जिन पिंडारी समुदाय के लोगों ने इनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी वह पठान थे। यहाँ के बामियान शहर में भगवान गौतम बुद्ध की दो विशाल प्रतिमा हुआ करती थी, जिसमें से एक तो पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, लेकिन मार्च 2001 में एक कट्टरपंथी संगठन आईएसआईएस ने इस मूर्ति को तोड़कर ये ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दी थी। लेकिन यह काम उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि 5वीं सदी में बनाई गई यह मूर्तियाँ बलुआ पत्थर में एक पहाड़ को तराश कर बनाई गई थी और काफ़ी विशाल थी। पहले रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके इन्हें तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद मूर्तियों में बने छोटे गड्ढों में बारूद लगाकर विस्फोटों किए गए, फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इससे मूर्तियों की सिर्फ टांगे ही नष्ट हुई। बाद में कट्टरपंथियों ने लगातार 25 दिनों तक इन मूर्तियों के हर हिस्से में बारूद भरकर विस्फोटक किए, उसके बाद जाकर उन्हें कामयाबी मिली। आपको बता दें, मूर्तियों को गिराने की यह कोई पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले चंगेज खान ने 1221 में, उसके बाद 18वीं सदी में औरंगजेब और इसके साथ ही कई और मुसलमान राजाओं ने इन मूर्तियों को तोड़ने की प्रयास किया, लेकिन इनमें से किसी को भी सफलता नहीं मिली थी। इसी तरह यहाँ की म्यूजियम में रखी गई बौद्ध और हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ को भी कट्टरपंथियों ने नष्ट करने की कोशिश की थी और इसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी रहे, लेकिन अफगानिस्तान की बौद्ध और हिंदू इतिहास के सबूत यहाँ की काबुल म्यूजियम में आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। तो यह था हमारे भारतवर्ष की इतिहास का छोटा सा हिस्सा जो अफगानिस्तान का उल्लेख किए बिना अधूरा है।